नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी टू स्वैग चैनल में। नाउ रिसेंटली आपने इस न्यूज के बारे में सुना होगा। वेस्टर्न मीडिया ने इस बारे में रिपोर्ट किया था कि इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील की विदेश नीति से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो गई है, उस पर आर्टिकल पब्लिश हुए। नाउ पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, कुछ नई चीज़ लीक नहीं हुई है। आपको याद होगा आज से 2 से 3 हफ्ते पहले कुछ USA के सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो लीक हुई थी। और ये वॉर डॉक्यूमेंट किसने लीक किए थे, तो वो USA मिलिट्री में काम कर रहे एक गेमर ने, जी हाँ, एक अमेरिकन गेमर ने, मतलब अमेरिका का ही नागरिक था वो गेमिंग के सर्वर पर उसने ये अपलोड कर दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए कुछ ही दिनों बाद इसके USA की सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आई और जैक टेक्सरिया नाम का जो व्यक्ति था उसको अरेस्ट कर लिया गया। नाउ जो इसकी फ़ोटो है, आप ये देख सकते हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस है वो इस व्यक्ति को पकड़ के ले जा रही है। जो जैक टेक्सरिया USA का जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनको एक बात का डर था कि बंदूकें लेके बैठा होगा, इसके साथ बहुत सारे देशद्रोही होंगे जो अटैक करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो USA की सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड होके गई थी और जो जैक टेक्सरिया नाम का जो व्यक्ति है आज वो USA की जेल में है। मोस्ट प्रोबेबली लंबे समय तक ये जेल में काटेगा, क्योंकि इसने USA के जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स है उसको डिस्कॉर्ड सर्वर पर लीक कर दिए थे। नाउ जो इसका इम्पैक्ट है, आज से कई सालों बाद भी आप फील करोगे। और रिसेंटली हमने देखा कि वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी, इन्होंने ये कहा कि जैक ने जो डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे उनमें से कई डॉक्यूमेंट को हमने और स्टडी किया और देखा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें और भी इन लोगों के रिपोर्ट में पब्लिश करी है। पर इन्होंने बताया कि लीक डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान, इंडिया, ब्राज़ील के बारे में क्या लिखा था। अब सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि USA की जो लीक डॉक्यूमेंट है इंडिया के बारे में, उनमें क्या लिखा हुआ था। नाउ यहाँ पर आप पूछेंगे, वेट, तो मतलब कि USA इंडिया पर जासूसी कर रहा था। देखिए, USA पूरी दुनिया पर जासूसी करता है, चाहे साउथ कोरिया हो, इनके मित्र मुल्क जर्मनी, फ्रांस वगैरह, USA हर कंट्री पर नज़र रखता है। अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है रिसेंटली, कुछ ही महीनों पहले, आपको याद होगा जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल से ये जो रशिया के सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो मिले। ये जो है व्यक्ति हैं, ये रशिया में पुतिन के बाद सबसे पावरफुल व्यक्ति माने जाते हैं। अगर रशिया में कल को मान लीजिए कि पुतिन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या फिर पुतिन नहीं रहते हैं, वह मर जाते हैं, तो उनके बाद जो मोस्ट प्रोबेबली जो व्यक्ति रशिया का फेडरेशन का जो कमान संभालेगा वो यही व्यक्ति होगा। ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रशिया में पावरफुल है। इनसे ही कुछ महीनों पहले अजीत डोभाल जी की इनसे मीटिंग हुई थी और USA ने अपने डॉक्यूमेंट में, सीक्रेट डॉक्यूमेंट में, यह लिखा था कि अजीत डोभाल ने इनके हिसाब से एक रिटर्न एश्योरेंस दी है, प्रॉपर एश्योरेंस दिया है कि रशिया को कि हम एक्ट नहीं करेंगे रशिया के अगेंस्ट ओवर द यूक्रेन वॉर। अब आप कहोगे, अच्छा यह तो बेसिक बात है, एक्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि, देखिए, एक्ट नहीं करने का जो मेन मीनिंग है यह है कि इंडिया में जो G20 समिट होगा ना, वहाँ पर इंडिया यूक्रेन वॉर पर ऑफिशियल मेंशन नहीं होने देगा। आपने देखा होगा इंडिया एक लाइन पकड़ी है G20 समिट को लेकर कि फोकस करो पॉवर्टी पर, डेट पे और वेरियस इशू पर, क्लाइमेट चेंज पर फोकस करो, पर यूक्रेन वॉर से अब हमको मूव ऑन कर लेना चाहिए। एक साल हो गए हैं और इस वॉर को अब तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। अगर ये मान लो कि ये वॉर जो है वो 10 साल चलती है, तो क्या हम इस वॉर की बात हमेशा करते रहेंगे? दुनिया में बहुत सारे दुख दर्द हैं, उन पर हमको फोकस करने चाहिए। USA ने ये अपनी रिपोर्ट में माना है कि इंडिया जो ये सब कर रहा है वो एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर कर रहा है, जिसके अंदर कोशिश की जा रही है कि जो पुतिन है वो भारत आ जाए। ये एक बहुत ही बड़ी विजिट होगी। जब से यूक्रेन वॉर हो रही है, आपने देखा होगा कि पुतिन ने रशिया के बाहर कदम नहीं रखा है, या मतलब बहुत ही लिमिटेड विजिट हुआ है पुतिन का। तो ये जो विजिट होने वाली है इंडिया में, ये सबसे ज़्यादा बड़ी विजिट होगी ओवर द यूक्रेन वॉर। नाउ इंडिया से आगे हम पाकिस्तान पर बात करें, जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है और इनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो इनकी विदेश मंत्री है हिना खान, इनके बीच जो बात हुई वो भी USA के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में मेंशन थी। नाउ
यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान की विदेश मंत्री है और ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, लेकिन ये जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, ये इनके थोड़े बाल बड़े नहीं हो गए? नहीं, देखिए, ये जो व्यक्ति आप जो सोच रहे हैं वो बिलावल भुट्टो, वो अलग हैं। यहाँ पर जो आप जिनकी फ़ोटो देख रहे हैं, ये हिना खां हैं, पाकिस्तान की मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ऑफ फॉरेन मिनिस्ट्री की। तो मतलब जो यूनियन मिनिस्टर होता है, जो भुट्टो है, वो एक कदम आगे है इनसे, ठीक है। पर ये भी अपने आप में पाकिस्तान की विदेश मंत्री है। ये जो विदेश मंत्री है हिना खां, वो अपने प्राइम मिनिस्टर से जो बात कर रही थी, यह बात यूएसए को पता लगी, क्योंकि जो बात थी वो यूएसए की ही बात कर रहे थे ये लोग। यूएसए के बारे में यह बातचीत हुई कि क्या यूएसए के दबाव में आकर यूक्रेन के समर्थन में हमें यूएन में वोटिंग कर देनी चाहिए। यहाँ पर जो हिना खां है, उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को यह एडवाइस दी कि यूएसए भी इम्पोर्टेंट है, पर जो पाकिस्तान के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टनर है वो चाइना है। तो इसलिए जब वोटिंग की बात आती है और या फिर जब स्टेटमेंट देने की बात आती है, तो पाकिस्तान को न्यूट्रल रहना चाहिए, प्रो यूएस स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। बट जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो भी कहे, इनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है यूएसए पर, और इसलिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने सीक्रेटली यूक्रेन की हेल्प करी है। इस वॉर में पाकिस्तान ने रिसेंटली एक रिक्वेस्ट भी करी है कि जो मिलिट्री फाइनेंस थी वापस रिस्टार्ट कर दी जाए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने $2 बिलियन से भी ज़्यादा जो मिलिट्री फाइनेंसिंग थी उसको वो फ्रीज करवा दिया था, इसको वापस से रिस्टार्ट कर दिया जाए। यहाँ पर देखिए, पाकिस्तान को यह भी है कि यूक्रेन की हेल्प करने के बदले इनको यूएसए जो है वो मिलिट्री एड फिर से रिस्टार्ट कर दे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा यूएसए का भी और इंडिया का भी, क्योंकि इंडिया इस पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देगा। देखिए, एक बात तो क्लियर है, चाहे पाकिस्तान में इमरान खान पावर में हो या फिर कोई और दूसरा व्यक्ति हो, इन द एंड पाकिस्तान की मिलिट्री है ना, वो हमेशा डिपेंड रहेगी यूएसए पर। क्यों? क्योंकि जो इनकी मिलिट्री जनरल है, इनकी प्रॉपर्टीज़ है यूएसए में, यूरोप में, यूके में, इनके अलावा जो इनकी इन्वेस्टमेंट हैं डॉलर जम के पड़े हुए यूएसए में। यूएसए में तो बिलियन ऑफ डॉलर जो हैं वो यूएसए में इनके पाकिस्तानी जनरल के रातों रात मतलब ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इसको खोना नहीं चाहते हैं। इसके लिए इंटरनली पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए कंट्री रहने वाला है, स्पेशली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट जब चॉइस आती है तब। अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो प्रो यूएसए रहता है कि वो प्रो चाइना बन जाता है। ऐसे अभी प्रो चाइना ही है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।